Asghar left property of worth 4,80,000 rupees. He left behind a widow, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each. Asghar एक person है जो इसकी वफात हो चुकी है और जब वफात हुआ तो उसकी property की कीमत ही 4,80,000 रुपये. तो जो 4,80,000 रुपये है वो उसकी बीवा, 3 बेटों और बेटी, 4 बेटियां हैं उनमें कैसे तकसीम होगी. जो बीवा का कितना हिस्सा होगा, बेटों का कितना हिस्सा होगा और बेटियों का कितना हिस्सा होगा, ये बताना है इस सवाल में. तो जैसा कि यहाँ पर बताई गई प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ बताई गई 4,80,000 रुपीज, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है रुपीज 4,80,000. तो जब हम शेयर देखेंगे वीडियो का, सन्स का और डॉटर्स का, तो सबसे पहले शेयर देखा जाता है वीडियो का. जो बेवा होती है उसका शेयर सबसे पहले निकाला जाता है. लिख लेंगे शेयर ऑफ वीडियो, शेयर, शेयर ऑफ वीडियो, शेयर ऑफ वीडियो. बीवा का हक कितना होता है कि अगर जो फोत हुआ है उसके बच्चे होंगे तो फिर बीवा को मिलेगा 8वां हिस्सा, और अगर बच्चे ना हो तो फिर 4था हिस्सा मिलेगा. जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि उसके 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, यानी कि इसके बेटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए जो बीवा है, वीडो है, उसको मिलेगा 8वां हिस्सा. जो टोटल रकम है 4,80,000 रुपये, इसके 8 हिस्से किए जाएँ तो 8 में से 1 हिस्सा मिल जाएगा वीडो, वीडो को. तो लिख लेते हैं एक हिस्सा मिलेगा कितने हिस्सों में से, टोटल 8 हिस्सों में से. किसका, 4,80,000 रुपये का, तो इसको ज़रब कर दिया 4,80,000 रुपये. तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 4,80,000 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़, 60,000. तो बेवा का हिस्सा हुआ 60,000 रुपये. तो अब देख लेंगे कि जो बाकी रकम बचेगी वो क्या होगी, जो कि बाद में तकसीम होगी 3 बेटों और 4 बेटियों में. बाकी रकम कैसे निकालनी है कि जो टोटल रकम है उसकी प्रॉपर्टी की, उसमें से जो हिस्सा निकाला है बेवा का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो लिख लेंगे रिमेनिंग अमाउंट, इनकी जो बकिया रकम है, रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालनी है, जो टोटल रकम है वो है रुपीज़ 4,80,000, उसमें से बेवा का हिस्सा जो दिया गया वो है रुपीज़ 60,000. तो 4,80,000 में से 60,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी रह जाएगा रुपीज़ 4,80,000 में 60,000 माइनस के बाकी रहेगा 20,000. अब ये जो 4,20,000 है ये तकसीम करना है 3 बेटों और 4 बेटियों में. तो जैसा कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेटे के अगर 2 हिस्से हों तो बेटी का 1 हिस्सा मिलता है. तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर रेशो ऑफ शेयर्स, रेशो निकाल पहले लिख लेते हैं कि किस रेशो, रेशो से बेटों और बेटियों में जो तक अमाउंट है ये तकसीम की जाएगी. रेशो ऑफ शेयर्स, देख लें कितने बेटे हैं, 3 बेटे यहाँ पर बताए गए हैं, 3 बेटे हैं और 4 बेटियाँ हैं. 3 बेटे हैं तो हर बेटे को कितने हिस्से मिलेंगे, 2, 2 हिस्से एक बेटे को रेशियो, फिर 2 दूसरे बेटे को रेशियो, और फिर तीसरे बेटे को भी 2 हिस्से. और 4 बेटियां हैं तो एक हिस्सा एक बेटी का, दूसरी बेटी का, तीसरी बेटी का भी एक, और चौथी बेटी का भी एक हिस्सा. तो अब देख लेंगे टोटल जो 4,20,000 रुपये हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके कुल कितने पार्ट्स होंगे, कितने हिस्से इसके किए जाएंगे. तो लिख लेते हैं सम ऑफ, सम ऑफ शेयर्स कितने हिस्से करने हैं, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 हिस्से टोटल किए जाएंगे. ये 4,20,000 रुपये हैं इसके 10 हिस्से किए जाएंगे. तो जो 10 हिस्से किए जाएंगे उसमें से 2 हिस्से एक बेटे को, फिर 2 दूसरे बेटे को, 2 तीसरे बेटे को, और जो 4 बेटियां हैं उनको एक ही हिस्सा दिया जाएगा.
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन हर बेटे को कितने हिस्से मिले हैं? दो। तो टोटल कितने हिस्से की है? 10। इसको तकसीम 10 से कर दिया। और कौन सी रकम के जो रिमेनिंग अमाउंट है 4,20,000 रुपीज़, 4,20,000। तो अगर इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 42,000, 42,000। तो 42,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84,000। तो इस तरह पता चला कि हर जो सन है ईच सन को कितने मिलेंगे? 84,000 रुपीज़, रुपीस मिलने हैं, रुपीस का सिंबल साथ। तो अब हम देख लेंगे कि हर बेटी को कितना हिस्सा आएगा, हर बेटी का कितना हिस्सा आएगा। शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी को कितना हिस्सा मिलना है? एक मिलना है। टोटल कितने हिस्से की ये देख गए थे, सम ऑफ शेयर्स है 10, इसको डिवाइड 10 से कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 4,20,000, 4,20,000। तो इसको भी अगर सिंपलीफाई करें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 को करेंगे 42,000 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 42,000 ही। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर क्या हुआ? रुपीज 42,000। तो इस तरह हमने देखा कि बेवा का पहले हिस्सा निकाला वो आया 60,000 रुपये, और उसके बाद हर बेटे को मिलेंगे 84,000 रुपये, पहले बेटे को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी। उसके बाद चार बेटियां हैं और चारों बेटियों को मिलेंगे 42,000 42,000 रुपये।